एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम अगेन। आई एम पूजा और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सीरीज। इसके पहले मैंने आपको कई सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने अपने टेन्योर में कौन से काम किए हैं या कौन सी बैटल उनके द्वारा लड़ी गई है। अब देखिएगा विलियम बेंटिक से डलहौजी के बीच की जो कहानी है, तो विलियम बेंटिक से लेकर डलहौजी के बीच में चार गवर्नर्स आए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने दो के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। आज हम एलन बरो के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम हार्डिंग के बारे में बात करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग वन, और उसके बाद हम अपनी कहानी शुरू करेंगे कहाँ से, डलहौजी से। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। PDF आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, तो PDF आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। अभी तक मैंने आपको यहाँ पे चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में बताया था। विलियम बेंटिक के बाद जो एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं वो चार्ल्स मेटकॉफ बनते हैं। इनका टेन्योर काफ़ी कम समय का होता है, बट उस कम समय में इन्होंने प्रेस एक्ट 1835 का अधिनियम पास किया था, जिसने लिबरेशन या फ्रीडम प्रोवाइड किया था हमारी इंडियन प्रेस को। इसलिए लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, हमने मेटकॉफ को कहा था। मेटकॉफ की पॉलिसीज से ब्रिटिश अधिकारी खुश नहीं थे, इसलिए मेटकॉफ की जगह फिर ऑकलैंड को भारत का नया गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था। तो ऑकलैंड आते हैं भारत, और इनका टेन्योर 1836 से 1842 के बीच में रहा था। और इन्होंने अपने टेन्योर में पहली एंग्लो अफगान वॉर को लड़ा था। हालांकि पूरी तरीके से जीत जो है वो ब्रिटिशर्स की नहीं हुई थी, ब्रिटिशर्स के कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे, काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था और बेइज्जती हुई थी। तो वो एक अलग कहानी है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड की जो पॉलिसी थी, जो इसकी फॉरवर्ड पॉलिसी थी, उससे ब्रिटिश अधिकारी अगेन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऑकलैंड को वापस बुलाया जाए और एलन बरो को जो है वो भारत का नया गवर्नर जनरल बनाया जाए। तो ऑकलैंड के बाद एलन बरो को जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में भेजते हैं। और भले ही जो बैटल शुरू हुई थी एंग्लो अफगान वॉर फर्स्ट, वो ऑकलैंड के समय हुई थी, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन हुआ, जो अफगानिस्तान के रीजन को पूरा एनेक्स किया, वो किसने किया? एलन बरो ने। तो मतलब जो फाइनल कंक्लूजन हुआ था एंग्लो अफगान वॉर का, वो एलन बरो के समय हुआ था। एलन बरो का जो टेन्योर था वो 1842 से 1844 तक का था। 1842 से 1844 के बीच में एलन बरो थे। एलन बरो का जो टाइम पीरियड है वो केवल और केवल एक ही काम के लिए जाना जाता है कि इन्होंने सिंध का जो रीजन है ना, सिंध का रीजन है जो वर्तमान में पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, उस सिंध के रीजन को एनेक्स करने का काम, उस सिंध के रीजन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने का काम जो है वो एलन बरो ने किया था। और इन्होंने ही सिंध के रीजन को जो है वो सब्सिडरी अलायंस, मतलब सहायक संधि का हिस्सा बनाया था। तो किस तरीके से इनकी क्या पॉलिसी थी या किस तरीके से सिंध के रीजन को इन्होंने कब्जा किया, एक्वायर किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया, वो हमें यहाँ पे एलन बरो के टाइम पीरियड में देखना है। एलन बरो की पॉलिसी भी अगर आप देखेंगे तो उससे भी ब्रिटिशर्स नाखुश थे, अधिकारी लोग नाखुश थे। और एलन बरो को हटाकर हार्डिंग वन को जो है वो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। 1844 से 1848 तक, 1844 से 1848 तक का समय इनका होता है। और इनके समय पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट वॉर है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो लॉर्ड हार्डिंग वन के समय होती है। तो आज हमें बेसिकली दो पॉइंट को कवर करना है। एक, सिंध के रीजन को किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया, वो हमें देखना है। और दूसरा, किस वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, उसके क्या रिजल्ट थे, वो आज हमें यहाँ पे समझने हैं। तो दो पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आए, और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको बोलूंगी, कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगते हैं आप उसे नोट डाउन करते जाइए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके टेन्योर में किए गए काम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1848 के बाद जो है वो डलहौजी आ जाएगा भारत में, और डलहौजी के ऊपर एक सेपरेट और कंप्लीट लेक्चर हम बनाएंगे, क्योंकि डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं और कई सारे क्वेश्चन डलहौजी से पूछे जाते हैं। तो आने वाले वीडियो में आपको डलहौजी की कहानी देखने को मिलेगी। सो स्टार्ट कर लें आज का सेशन एलन बरो की कहानी से, ठीक है। तो यहाँ पे एलन बरो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं।
तो अफगान का जो प्रोजेक्ट होता है, जो ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी होती है, वो नाकामयाब रहती है। इससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन या बेइज्जती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होती है, जिसके बाद 1942 में ऑकलैंड को वापस बुला लिया जाता है और एलन बरो को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो 1842 से लेकर 1844 तक एलन बरो जो है वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। लगभग इन्होंने 2.5 साल 2.5 ईयर जो है अपनी सेवाएँ भारत में दी हैं, और इस 2 साल में इन्होंने सिंध का जो एरिया था उसे एक्वायर करने का काम, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने का काम किया है। तो आइए पहले हम मैप के जरिए इस सिंध रीजन को समझते हैं और क्या पूरी पिक्चर चल रही थी उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये सिंध का रीजन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको आज भी कराची पोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। कराची पोर्ट आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस समय भी कराची पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। क्लियर है? आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पूरा का पूरा साउथ इंडिया वाला रीजन है और आपका नॉर्थ इंडिया का भी कुछ हिस्सा है, ये सारा ब्रिटिश टेरिटरी है। ये पूरा इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है, ये बात आप जानते थे। अगर मैं सिंध की रीजन को छोड़ दूँ और इस सिंध एम्पायर मतलब पंजाब की रीजन को छोड़ दूँ तो बाकी ऑलमोस्ट जो एरिया है वो ब्रिटिश टेरिटरी में आ चुका था। और यहाँ पे सिंध और पंजाब या सिख जो एम्पायर है ये दोनों एज अ बफर स्टेट ये लोग काम कराना चाहते थे कि एज अ बफर स्टेट जो वेस्टर्न बाउंड्री है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम एज अ बफर स्टेट सिख एम्पायर और सिंध एम्पायर करें। ठीक है, ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सोचना था। ऐसा क्यों सोचना था वो भी मैं आपको कहानी बताती हूँ। सबसे पहले बात करते कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है लगभग 1630 में, जब मुगल एम्परर होते हैं, जब मुगल बादशाह होते हैं, तो मुगल बादशाह एक फरमान इशू करते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की अनुमति जो है वो सिंध में देते हैं। इस तरीके से व्यापार करने की अनुमति सिंध के रीजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। जब अनुमति मिल जाती तो उस फरमान का सहायता लेते हुए, उस फरमान की मदद से थट्टा एक जगह है सिंध के रीजन में। तो सिंध के थट्टा रीजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहले यहाँ पे अपनी फैक्ट्री 1758 में सेटअप कर लेती है। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही होती है, व्यापार चल रहा होता है। ठीक है, और उस समय में जो सिंध का रूलर थे, सिंध में जो रूलर थे वो कल्लोर चीफ थे। कौन थे? कल्लोरा चीफ जो थे उस समय सिंध के रीजन में जो थे वो रूल करते थे, है ना। सिंध की टेरिटरी उनके कब्जे में थी। तो कल्लोरा जो चीफ थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे ब्रिटिशर्स से, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और बहुत पसंद करते थे। तो इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बिंदास होकर हमारे एरिया में ट्रेड करो, व्यापार करो, हो सकेगा तो हम आपके टैक्सेस को भी कम कर देंगे, और जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है, डचेस है, उन सबको या कोई भी यूरोपियन कंपनी को हम परमिशन नहीं देंगे कि वो आके सिंध के रीजन में व्यापार करें। आप ही हो, आपकी ही मोनोपोली है और आपको ही केवल अधिकार हम देते हैं कि सिंध के रीजन में आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कल्लोरा चीफ ने कहा। ठीक है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया एकदम बिंदास चल रहा था। लेकिन जो कल्लोरा चीफ थे उसके बाद आगे आने वाले समय में इनकी पावर डिक्लाइन होने लगी, इनकी पावर कम होने लगी। अब सिंध के रीज़न से अगर आप थोड़ा सा मैप को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जो रीज़न आता है ये बलूचिस्तान का रीज़न होता है। यहाँ पर क्या होता है? बलूचिस्तान का रीज़न होता है, और यहाँ पर थे तालपुरा। यहाँ पर कौन थे? तालपुरा थे। तो तालपुरा जो है वो लगभग 1770 के पास इन्होंने सिंध के रीज़न की तरफ मूव करना शुरू किया। ये सिंध का जो रीज़न है ना, ये पूरा आपका दोआब रीज़न होता है। दोआब रीज़न मतलब दो नदियों के बीच का रीज़न है, और दोआब रीज़न जो होता है उसकी मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप सभी को पता है दोआब की रीज़न की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और यहाँ पर ट्रेडर्स भी आते रहते थे व्यापार करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो आपके बलूचिस्तान रीजन के लोग थे तालपुरा, उन्होंने सोचा कि हम सिंध के रीजन में जाके व्यापार करेंगे, फार्मिंग करेंगे, खेती करेंगे, इंपॉर्टेंट रीजन है और फर्टाइल रीजन है। तो तालपुरा की एंट्री जो है बलूचिस्तान से सिंध के रीजन में हो जाती है। ठीक है, तालपुरा की एंट्री हो गई। फिर तालपुरा ने देखा कि सिंध में धीरे धीरे उन्होंने छोटी छोटी टेरिटरी पे कब्जा करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने ट्रेड को बढ़ाया, व्यापार को बढ़ाया, फार्मिंग की, खेती की, और जैसे ही देखा कि सिंध के रीजन के जो ये कल्लोरा चीफ है इनकी पावर डिक्लाइन हो रही है तो इन्हें एग्जाइल कर दिया, इन्हें हटा दिया, और तालपुरा के जो अमीर हैं उन्होंने सिंध के पूरे रीजन को एक्वायर कर लिया। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही थी, शुरुआत हो रही थी कल्लोरा चीफ से, और कल्लोरा चीफ को हटाकर अब तालपुरा के जो अमीर हैं वो यहाँ पर कब्जा करके बैठ गए हैं और वो यहाँ पर अब रूल कर रहे हैं।
फतेह अली खान बेसिकली यहाँ पर रूल कर रहे थे। मतलब ये जो चार भाई थे, इन्हें चार अमीर भी कहा जाता है, इन्होंने पूरे के पूरे सिंध को चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और चारों बढ़िया तरीके से यहाँ पर रूल कर रहे थे। और जो फतेह अली खान और मतलब ये जो अमीर थे, और इनफैक्ट जो सिंध के लोग थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करें, ब्रिटिशर्स अपनी मोनोपोली चलाएं या ब्रिटिशर्स आके फैक्ट्री बनाएं, है ना। वो लोग चाहते थे कि हम फ्रीली ट्रेड करें, हम वो लोग नहीं चाहते थे कि किसी का भी इन्फ्लुएंस हो या ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस या उनका कोई इंटरफेरेंस उनके ट्रेड पर हो। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ के जो रूलर थे, मतलब ये जो अमीर थे, चार अमीर, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, एक काम करो, आप अपना बोरा बिस्तर उठाओ, अपना सब कुछ सेटअप उठाओ और वापस जाओ, हम नहीं चाहते आपके आप हमारे रीजन में व्यापार करो, ट्रेड करो। तो 1800 आते तक सिंध की रीजन से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया गया था अमीर्स के द्वारा। लेकिन उस समय तक जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, वो आपकी होस्टाइल पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल चुपचाप बोला कि ठीक है, आप नहीं चाहते हम आपके रीजन में व्यापार करें, ओके, हम नहीं करते अपने आपके रीजन में व्यापार, और वहां से चले गए, ठीक है। तो क्योंकि अभी तक उनकी पॉलिसी इस तरीके से सिंध के रीजन के लिए नहीं थी, यहाँ तक ठीक है। बट यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आगे क्या हुआ, यहाँ पर अब इनको खतरा बढ़ने लगा, ब्रिटिशर्स को खतरा बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे रशिया था, और यहाँ पर आपको देखेंगे जो आपका नेपोलियन, अगर नेपोलियन को हमला करना है तो नेपोलियन इसी रास्ते से हमला कर सकता था भारत के रीजन में। तो यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स की धड़कनें बढ़ने लगीं। ब्रिटिशर्स ने सोचा, यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिटी साइन हो चुकी थी नेपोलियन के बीच में और रशियन के बीच में, जिसको हम ट्रिटी ऑफ तिलसित कहते हैं। इस ट्रिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है। ट्रिटी ऑफ तिलसित साइन हो गई थी 1807 में, 7 जुलाई 1807 में ट्रिटी साइन हुई थी, और ये ट्रिटी जो है वो नेपोलियन और रशियन एम्परर अलेक्जेंडर के बीच में साइन हुई थी, और दोनों मिलके बेसिकली, और टीपू सुल्तान तो इनकी मदद पहले कर ही रहे थे, लेकिन 1799 में टीपू सुल्तान मारे जा चुके थे, ठीक है। तो इन लोगों का था कि अगर हमको ब्रिटिश इंडिया में हमला करना है, तो आपके पास एकमात्र लैंड रूट है अफगानिस्तान के सहारे, आप जो हैं वो भारत में हमला कर सकते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के सहारे आप भारत में हमला कर सकते हैं, आप इस मैप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर टेरिटरी है, एम्पायर है, ये सिंध का रीजन है। सिंध से तो अभी फिलहाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आउट कर दिया गया है, ये सिख एम्पायर है, ठीक है, ये सिख एम्पायर, और ये अफगानिस्तान का रीज़न है। और अगर नेपोलियंस को और रशियन को अगर अपनी आर्मी को लेकर हमला करना है, तो इसी रीज़न से आके अपने आर्मी को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश की जो टेरिटरी है उनमें हमला कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स तो ये बात जानते थे कि जो सिख एम्पायर है बहुत पावरफुल है, क्योंकि उस समय यहाँ पे राजा रणजीत सिंह थे। यहाँ पे कौन थे? राजा रणजीत सिंह थे। तो उनको पता था कि इनकी आर्मी तो बहुत पावरफुल है, अगर यहाँ पर नेपोलियन की आर्मी आती है तो वो इनको झेल जाएंगे और सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन सिंध थोड़ा कमज़ोर है, तो ये लोग चाहते थे कि सिंध की जो टेरिटरी है वो पूरे तरीके से किसके कब्ज़े में हो जाए? ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में हो जाए, ठीक है, ये बात आपको पता है, ठीक है। और वो चाहते थे कि जो सिंध का रीज़न है और सिख एम्पायर है, वो ये दोनों जो हैं ये एज अ बफर स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने का काम करें। ये दोनों कौन कैसा काम करें? बफर स्टेट की तरह काम करें। इसलिए यहाँ पर अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन हो गए हैं? लॉर्ड मिंटो हो गए हैं। तो लॉर्ड मिंटो ने अपने अलग अलग एम्बेसडर को, अपने अलग अलग राजदूत को अलग अलग रीज़न में भेजा, किसी को सिंध में भेजा, किसी को सिख एम्पायर में, किसी को बलूचिस्तान में, अलग अलग रीज़न में भेजा ट्रिटी को साइन करने के लिए, ट्रिटी को साइन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लॉर्ड मिंटो ने मेटकाफ को 1809 में कहाँ पर भेजा था? सिख एम्पायर में भेजा था, है ना, सिख एम्पायर में भेजा था। वैसे निकोलस स्मिथ, क्या नाम है? निकोलस स्मिथ को कहाँ पर भेजा था? स्मिथ को भेजा था यहाँ पे सिंध के रीज़न में, ठीक है ना। एल्फिस्टोन को भेजा था बलूचिस्तान के रीज़न में। तो ऐसे लॉर्ड मिंटो ने अपने अलग अलग राजदूतों को अलग अलग टेरिटरी में भेज दिया, ठीक है। निकोलस स्मिथ को सिंध भेज दिया, मेटकाफ को सिख एम्पायर भेज दिया, एल्फिस्टोन को जो है वो कहाँ भेज दिया? बलूचिस्तान में भेज दिया। और इनका काम था कि आप ट्रिटी करो, आप संधि करो, फ्रेंडशिप अलायंस बनाओ कि भाई हम आप पे हमला नहीं करेंगे, हाँ आप हम पे हमला मत करना, हम दोस्त की तरह रहेंगे, जब तक सूरज शांत रहेगा हमारी दोस्ती रहेगी। इस तरीके से आपको एथर्नल फ्रेंडशिप या ट्रिटी यहाँ पे साइन करानी है इन सारे एम्पायर के साथ। साथ ही साथ आपको आश्वासन लेना है, आपको साथ ही साथ ये भी बोलना है कि
ये रशियन का साथ है, नेपोलियन का साथ जो है ये नहीं देंगे, हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रेंड बन के रहेंगे। ऐसी ट्रिटी साइन कराने के लिए इन लोगों को भेजा लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है ना। जैसे कि मेटकाफ ने अमृतसर की संधि साइन की थी, और अमृतसर की संधि जो है वो सिख एम्पायर के साथ इन्होंने साइन की, और सतलज रिवर को बाउंड्री बना दी कि आप सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करना, हम भी सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे, आपको जितना यहाँ पर वेस्ट के रीजन में जितना भी एक्सपांशन करना है आप करो, हम नहीं रोकेंगे, आप अफगानिस्तान के रीजन को एक्वायर कर लो, हम नहीं रोकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा मामला यहाँ पे सेट इन लोगों ने कर लिया। तो इस तरीके से कई सारी फ्रेंडशिप ट्रीटी यहाँ पे जो एनवॉय या राजदूत गए थे लॉर्ड मिंटो ने भेजे थे, तो ये सारे इन्होंने एक अलायंस की तरह काम करना शुरू कर दिया, जिससे इन लोगों को एक बफर स्टेट की तरह यूटिलाइज़ किया जा सके, और डायरेक्ट नेपोलियन या रशियन जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है उस पर हमला ना कर पाए। इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे क्या होता है। आगे इस ट्रिटी को बाद में 1820 में रिन्यू भी किया जाता है, लेकिन जब विलियम बेंटिक आते हैं तो विलियम बेंटिक जो है और भी ज़्यादा अच्छी ट्रिटी जो है वो सिंधे की रीज़न के साथ साइन करते हैं। ये ट्रिटी होती है ट्रिटी ऑफ 1832। 1832 में कौन कर रहा है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इस ट्रिटी को साइन कर रहे हैं सिंध की रीज़न के साथ। सिंध के रीज़न के साथ क्या ट्रिटी साइन कर रहे हैं? तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिंध के साथ अच्छी अलायंस बनाए और सिंध के रीज़न में हम वापस से व्यापार करना शुरू करें। तो विलियम बेंटिक क्या कहते हैं? विलियम बेंटिक कहते हैं कि देखो, ये जो यहाँ पे कच्छ का एरिया है ना, कच्छ के एरिया में काफ़ी सारे डकैत की समस्या बढ़ गई है। जब हम भी व्यापार करते हैं तो डकैत हमारा सामान भी लूट लेते हैं, आप जब ट्रेड करते हैं तो आपके रीज़न को भी लूटने का काम, ये लोग चोरी करने का काम करते, तो एक काम करते हैं आप और हम मिलके, मतलब सिंध की आर्मी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, ये जो कच्छ के रीजन के डकैत हैं ना, इसकी समस्याओं को हम साथ में मिलके सुलझाएंगे। पहली चीज़ इन्होंने ये कही। साथ ही साथ आप हमको एक फ्री पैसेज प्रोवाइड कर दो जिससे हम आसानी से व्यापार कर सकें। सिंध के रीजन को क्या बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? आप हमको एक फ्री पैसेज प्रोवाइड कर दो, फ्री पैसेज आप हमको प्रोवाइड कर दो जिससे हम आसानी से व्यापार कर सकें। आप चाहे तो बदले में हमसे टैक्स ले लो, टैक्स वसूल कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी रीज़न में मनमाना टैक्स हो रहा है या टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहो तो हमारा थोड़ा बहुत टैरिफ या जो हमारा थोड़ा बहुत टैक्स है ना, उसको भी आप हमें आप रिड्यूस कर दो, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से एज अ ट्रेड रूट की तरह यूज़ किया जाता था, तो यहाँ पे सिंध की रीजन से इंडस रिवर निकलती है, आप सभी को पता है। तो इन्होंने कहा कि इंडस रिवर के वाटर को आप हमें यूज़ करने दो जिसमें आप अपनी शिप के ज़रिए जो है वो ट्रेड कर सकें, आप हमको थोड़ा सा पैसेज दे दो, लेकिन हम आपको अश्योर करते हैं कि इस पूरे रीजन में हमारी कोई भी मिलिट्री नहीं होगी, आर्मी नहीं होगी, ट्रूप नहीं होगी, कोई भी वॉर वेपन्स नहीं होंगे, केवल हम ट्रेड पर्पज़ के लिए इंडस वाटर का यूज़ करेंगे, केवल हम ट्रेड पर्पस के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमारे जो ब्रिटिश अधिकारी हैं या जो हमारे ब्रिटिश के लोग हैं वो प्रॉपरली मतलब सिर्फ ट्रेड करने के लिए सिंध के रीजन में आएंगे, इनका कोई भी प्रॉपर सेटलमेंट यहाँ पर नहीं होगा, मतलब ये लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं, कोई भी प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होगा, अपने घर नहीं बनाएंगे, केवल हम व्यापार करने के मकसद से सिंध से एक फ्री पैसेज मांगते हैं ट्रेड करने के लिए, ऐसा विलियम बेंटिक ने कहा, और सिंध के रीजन के साथ ट्रिटी कर ली विलियम बेंटिक ने। तो समझ में आया ट्रिटी की क्या क्या शर्तें थी। 1832 की ट्रिटी में फ्री पैसेज की डिमांड की, इंडस वाटर को यूज़ करने की डिमांड की एज अ ट्रेड पर्पस, साथ ही साथ कहा कोई भी ब्रिटिश अधिकारी या कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति इंग्लिशमैन जो है वो परमानेंट सेटल नहीं होगा आपके सिंध के रीजन में, साथ ही साथ हम दोनों जो है वो कच्छ के रीजन में जो डकैत की समस्या है उससे निपटारा लेंगे, और बदले में आप हमसे अगर हम आपके एरिया में ट्रेड करते तो आप हमसे टैक्स वसूल सकते हो। तो ये ट्रिटी जो है विलियम बेंटिक के साथ साइन हो गई, अच्छी ट्रिटी थी, व्यापार कर रहे थे, बदले में टैक्स भी दे रहे थे, सब कुछ अच्छा था। अभी तक भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी टूवर्ड्स द सिंध कैसी नहीं थी कि हमें इसे कब्जा करना, ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये पॉलिसी अचानक से चेंज हो जाती है जब ऑकलैंड आते हैं। आपको मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं वो ऑकलैंड रहे हैं, और आपको पता है कि ऑकलैंड अब भारत आते हैं। ऑकलैंड जब भारत आते हैं तो उनकी पॉलिसी क्या होती है? फॉरवर्ड पॉलिसी होती है। उनकी पॉलिसी क्या होती है? फॉरवर्ड पॉलिसी होती है। उन्होंने सोच लिया है कि नहीं, हमें सिंध का जो रीज़न है वो कमज़ोर है और हमको इस पूरे एरिया को एक्वायर करना है, पहले हम इसको एक डोमिनेंट बनाएंगे और फिर धीरे धीरे पूरे के पूरे सिंध के रीज़न को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेंगे। ऐसी फॉरवर्ड पॉलिसी किसकी थी? ऑकलैंड की थी, है ना। इसको छोटी मोटी शर्तें, छोटे मोटे ट्रीटी साइन नहीं करनी थी, ठीक है। ये केवल और केवल सिंध के रीजन पे कंट्रोल करना चाहता था कौन? ऑकलैंड। अब ऐसे तो डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, कोई ना कोई एक वैलिड वजह, कोई ना कोई ऐसी एक वजह तो होनी चाहिए किस तरीके से सिंध के रीजन पे हम अपनी आर्मी डिप्लॉय करें, कैसे सिंध के रीजन पे कब्जा करें, है ना, कैसे सिंध को अपने इन्फ्लुएंस में लाएं। तो होता क्या है
यहाँ पर ये सिख एम्पायर है आप देख रहे हैं और ये सिंध है, इन दोनों की बाउंड्री आप देख रहे हैं शेयर होती है, सिख और सिंध की बाउंड्री शेयर होती है। तो सिंध का एक रीज़न था जिसका नाम है रोजन। रोजन एक रीज़न था सिंध का, और सिख मतलब राजा रणजीत सिंह है इस एरिया को, इस टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं। तो देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका मिल गया। ये लोग तो बेचारे ना मौके की तलाश में ही रहते थे, बस हमें कहीं से मौका मिल जाए और हम किसी भी टेरिटरी में एंटर हो जाएं। तो सिख एम्पायर ने एक छोटी सा जो एरिया था रोजन एरिया सिंध रीजन का, उसको एक्वायर कर लिया। और आपको पता था राजा रणजीत सिंह की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। तो ब्रिटिशर्स पहुंच जाते हैं सिंध के पास और बोलते हैं देखो आमिर भाई, अब यहाँ पर आप तो जो है वो सिखों से लड़ नहीं पाओगे, तो हम एक क्या करते हैं, एक मध्यस्थ की तरह काम करते हैं, और सिख के रीज़न में और आपके रीज़न में हम मध्यस्थता कराते हैं कि सिख की आर्मी आगे अपने आपके रीज़न में ना बढ़े, ठीक है ना। और आगे अगर सिख की आर्मी कभी आपके रीजन में बढ़ती तो एक काम करो, आप हमारी मिलिट्री जो है वो सिंध की रीजन में रख लो। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, किसी भी टेरिटरी में जाके अपनी मिलिट्री को रखना शुरू कर देते हैं। तो सिंध को बोलते कि एक काम करो, हमारी मिलिट्री आप अपने रीजन में रख लो, तो कभी अगर सिख की आर्मी आप पे हमला करे तो हमारी मिलिट्री है ना आपको मदद करेगी, बदले में आप बस मिलिट्री का जो खर्चा होगा, उसका जो रख रखाव का मेंटेनेंस का खर्चा होगा, वो केवल बस वही आप उठा लेना, है ना। इस तरीके से इन्होंने बोली कि हम आपके क्या करेंगे, एक मीडिएटर बन जाते हैं, एक मध्यस्थ की तरह काम करेंगे सिख एम्पायर और सिंध एम्पायर के बीच में। इसके अलावा बदले में आप हमारी मिलिट्री रख लो, मिलिट्री का बस खर्चा आप मेंटेन कर लेना, अगर कभी सिख आर्मी आप पे हमला करती है तो हम तो हैं आपका मदद करने के लिए। इस तरीके से अपनी आर्मी की एंट्री जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध के रीजन में करा ली ऑकलैंड के समय। बात समझ में आई, ये घटना हो गई। उसके बाद मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आपको जब ऑकलैंड की कहानी बता रही थी, तब मैंने कहा था ऑकलैंड के समय पहला एंग्लो अफगान वॉर होता है, याद आया, पहला अफगान वॉर होता है एंग्लो अफगान वॉर, जो कि 1839 से आप देखेंगे 1842 के बीच में चलता है, राइट। ये घटना मैंने आपको बताई थी। इस वॉर के होने से पहले एक त्रिपक्षीय संधि साइन होती है, याद आया, एक आपकी ट्रिपार्टी ट्रीटी साइन होती है 1838 में। कौन कौन के बीच में होती है ये संधि साइन, तो ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राजा रणजीत सिंह सिख एम्पायर के बीच में, और अफगानिस्तान को एनेक्स करने के लिए यहाँ पर अफगानिस्तान के जो पुराने रूलर होते हैं जिनका नाम होता है क्या, शाह शुजा, तो शाह शुजा के बीच में ट्रीटी साइन होती है। और शाह शुजा को यहाँ पे बोला जाता है कि हम एक काम करेंगे, अफगान टेरिटरी को एक्वायर करेंगे और आपको वापस से एक राजा बना देंगे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो चाहती थी कि अफगानिस्तान में एक पपेट राजा हो जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर ही काम करे। तो यहाँ पे एक त्रिपक्षीय संधि या ट्राईपार्टी ट्रीटी 1838 में राजा रणजीत सिंह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ऑकलैंड, और शाह शुजा के बीच में साइन होती है। और इस संधि में देखो शाह शुजा से क्या कहा जाता है कि हम आपको अफगानिस्तान लौटा कर देंगे, आप अफगानिस्तान के फिर से राजा तो बन जाओगे, लेकिन आप सिंध के रीजन पे क्लेम नहीं करोगे, क्योंकि अफगान की टेरिटरी ही तो सिंध थी। तो इन्होंने बोला कि आप वापस से रिक्लेम नहीं करोगे, याद आया मैंने आपको सिखाया था कि सिंध के रीजन में शाह शुजा वापस से रिक्लेम नहीं करेगा। साथ ही साथ राजा रणजीत सिंह को कहा कि सिंध और आपके बीच में हम मीडिएटर का काम, एक मध्यस्थ की तरह काम करेंगे, और पहले भी वो सिंध के साथ ये प्रॉमिस तो कर ही चुके थे। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी, लेकिन आपको पता है पूरी तरीके से जीते नहीं थे, पूरे तरीके से जो आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था वो जीते नहीं थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और काफ़ी हार का सामना, मतलब काफ़ी ज़्यादा धन की नुकसान हुआ था, पैसों का नुकसान हुआ था, बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी और सोल्जर्स जो थे वो मारे गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये बात आप सभी को पता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि हम हारे हैं, उसका रीज़न जो है वो सिंध है, क्योंकि कभी ना कभी तो सिंध जो था वो अफगान की टेरिटरी ही था, है ना, अफगान के लोग ही सिंध के रूलर थे। तो इन्होंने, सिंध ने पूरी तरीके से हमारी मदद नहीं की है, पूरी तरीके से अपने प्रॉमिसेस को नहीं निभाया है, तो हमारी जो हार है उसका रीज़न सिंध है, क्योंकि जो कमज़ोर होता है उस पर ही प्रहार किया जाता है, सारा ब्लेम उसी पर डाला जाता है जो कमज़ोर होता है। तो सिंध उस समय, सिंध के अमीर कमज़ोर हो चुके थे, तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा का सारा ब्लेम किस पर डाल दिया, सिंध के रीज़न पर डाल दिया कि हम हारे हैं तो उसकी वजह आप हो, हम हारे हैं तो उसकी वजह कौन हो, आप हो। अच्छा, आप हो तो वह आप हो, तो आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जब भी कोई वॉर करती थी, कोई लड़ाई करती थी, तो किसी भी टेरिटरी को क्या करती थी कि किसी भी राजा को बोलती थी आपकी वजह से हारे हैं, आपकी वजह से युद्ध हुआ है, तो कंपनसेशन आप करोगे। तो सिंध को भी बोला कि आप हर्जाना भरोगे, सिंध को क्या बोला,
आप एक तो पहले हर्जाना भरोगे कि आपकी वजह से हम आ रहे हैं। इसके अलावा सिंध को बोला गया कि आप अपनी मिंटिंग प्रेसेस बंद कर दो, वो आपको जो है वो करेंसी छापने का अधिकार हम नहीं देते, अब आप अपनी मिंटिंग प्रेसेस को क्या कर दो, बंद कर दो। ये बात इसने बोल दी, ठीक है। बदले में हमारे जो जहाज़ हैं, जो हम ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे जहाज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने रीज़न से इसको फ्यूल दोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमें फ्यूल दोगे हमारे जहाज़ों को रन करने के लिए, आप अपनी मिंटिंग प्रोसेस को बंद कर दो, ठीक है। आप अपनी मिंटिंग प्रोसेस को बंद कर दो, बदले में आप हमें पहले तो कंपनसेशन भी करो कि आपकी वजह से हम युद्ध को हारे हैं। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो आप कंपनी की जो मिलिट्री है वो आपके एरिया में रहेगी, आप मिलिट्री आपके एरिया में रहेगी और उसको भी खर्चा, इसका खर्चा पानी भी आप ही देखोगे, ठीक है ना। और इस तरीके से एक सब्सिडरी अलायंस, एक सहायक संधि जो है वो सिंध की रीजन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सिंध के रीजन ने सब्सिडी अलायंस को यहाँ पे साइन कर लिया। और कोई भी फॉरेन पॉलिसी आप बनाते तो हमारी परमिशन के बिना आप कोई भी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाओगे। तो इस तरीके से सिंध का रीजन भी पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में से मिला लिया। और ये कब हो रहा था, ये 1839 की घटना थी। अंडर द थ्रेट ऑफ सुपीरियर फोर्सेज द आमिर ऑफ सिंध वर मेड टू साइन अ सब्सिडरी ट्रीटी। तो ये सब्सिडरी अलायंस का हिस्सा सिंध हो गया। सिंध जो है वो सब्सिडरी अलायंस का हिस्सा 1839 में हो गया। लेकिन आने वाले समय में जब ऑकलैंड जाते हैं और एलनबरो आते हैं, तो एलनबरो जो है अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर देते हैं और उसको लीड कौन कर रहा होता है, उसको लीड कर रहा होता है चार्ल्स जेम्स नेपियर। तो चार्ल्स जेम्स नेपियर्स की गाइडलाइंस में, उनकी कमांडर में, उनकी कह सकते हैं उनकी लीडरशिप में अपनी फोर्सेस को जो है डिप्लॉय कर दिया जाता है सिंध के रीजन में, ठीक है ना। लगभग 3000 ब्रिटिश ट्रूप होती हैं जो कि 12000 बलूच को यहाँ पर क्या करती हैं, डिफीट करने का काम करती हैं और सिंध को पूरी तरीके से एनेक्स कर लेती हैं। और सिंध का जो रीज़न है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एलनबरो के समय पूरी तरीके से कम्प्लीटली मिला लिया जाता है। बात समझ में आई है। और चार्ल्स जेम्स नेपियर को वहाँ का कमांडर या वजीर जो भी बोल सकते हैं वो अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एलनबरो की पॉलिसी के बाद जो है वो एनेक्स हो गया है सिंध का रीज़न। फिर लॉर्ड एलनबरो की पॉलिसी जो थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उनसे बेसिकली खुश नहीं थे, है ना। तो उसके बाद जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने एलनबरो को वापस बुला लिया। और एलनबरो के बाद कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टेम्प्ररी पर्पज़ से विलियम वर्ड को 1844 में गवर्नर बना दिया टेम्प्ररी बेसिस पे। बट फाइनली 1844 में आप देखेंगे सर हेनरी हार्डिंग, या जिनको हार्डिंग वन या लॉर्ड हार्डिंग वन के नाम से भी जानते हैं, उन्हें अगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। इन्हें अगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को 1799 में ज्वाइन किया था। ये आपके नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, एक ब्रेव सोल्जर थे आपके हार्डिंग वन। इन्होंने इंग्लैंड के पेनिनसुला वॉर को लीड किया था, वहाँ पे एज अ सोल्जर एक्चुअली काम किया था। और इन्होंने वाटरलू कैंपेन को भी रन किया था। इन्हें 1815 में नाइट का टाइटल भी दिया गया था, किसे, लॉर्ड हार्डिंग वन को या हार्डिंग वन को। तो अगले जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो हार्डिंग वन होते हैं 1844 से लेकर 1848 तक। इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई है वो पहली एंग्लो सिख वॉर हुई है। आप सभी को पता है केवल और केवल दो सिख वॉर हुई है ना, दो एंग्लो सिख वॉर हुई है और पहली जो है वो हार्डिंग वन के समय हुई है। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे पहली एंग्लो सिख वॉर के बारे में। होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। हार्डिंग वन या लॉर्ड हार्डिंग वन के बारे में हम अपने आने वाली क्लास में समझेंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हमें कई सारी संधियों के बारे में, लाहौर की संधि और अमृतसर की संधि के बारे में डिस्कशन करना है। आप लोग कहेंगे कि नहीं मैम, आपने ट्रीटी ऑफ अमृतसर बताई है 1809 में। देखिए, दो बार ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, एक बार 1809 में हो चुकी है, अब आने वाले समय में वापस से ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होगी, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होगी, उस पर हम आने वाले क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।